दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, राशन भी नहीं दे रहे हैं। और हम लोग 10 दाई से 10 साल से हम लोग 10 दाई कम से कम भरे हैं फार्म। हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है, नहीं बनाते हैं, कार्ड नहीं है, नहीं चीन चीन के कार्ड ही बनाते हैं। यहाँ के कोटेदार जो है नहीं बनाते हैं, देते हैं हम लोग फार्म, जला देते हैं घर में। जला देते हैं हमने 6 जने तो 2 जने के देबा ना करता 4 जने के तो अभी गेहूं 2 किलो चावल बस तो ना मिला था 50 रुपया वो ले तो 12 तो 4 तिहा तो 12 किलो हुआ और ये 8 किलो 20 किलो नहीं मिला। हमको पहले मिलता था कि 15 किलो गेहूं मिलता था 10 किलो चावल, इस समय मिला है 6 किलो गेहूं 4 किलो चावल बस 6 लोगों के लिए। ये राशन रोज खुल रहा है कि आज कल 1 तारीख से कल भी खुला था, ये अपनी मर्जी से खुलते हैं और बंद करते हैं, कोई समय नहीं। इसके पास ज्यादा खेत है उसको ये कहते हैं कि आपका राशन नहीं मिलेगा, आपको आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कायदे से इनकी जो है इंक्वायरी किया जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके पास 10-10 बीघे जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, बड़ी बिल्डिंग है, फिर भी उनको ये राशन घर तक पहुँचाते हैं। हमारा राशन कार्ड नहीं है, हम नौकरी करते हैं, हम तो एसडीएम साहब आए थे उनसे बात किए, बोले कि सरकारी नौकरी करने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। हम कहे ठीक है सर, लेकिन ये गांव की समस्या है, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, बार बार इनसे लोग कहते हैं लेकिन ये अपने ही मन से काम करते हैं। कोई भी राशन कार्ड लेके आता है ये अपने हाथ से, उसके राशन कार्ड में जो नाम एंट्री रहती है 10-5 जो भी यूनिट हो, अपने हाथ से वो मिटा देते हैं और कहते हैं देखो अब 3 हो गया, तुमको 3 का ही मिलेगा। ये राम नारायण कुटेदार इनका नाम है। कितने साल से ये राशन का दुकान चला रहा है? ये कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया। तो इनको किस बेसिस पे इन्हीं को मिला राशन चलाने के लिए? सर ये तो अंदरूनी मामला है, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या मामला है। गांव वाले, गांव के आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कितने कौन क्या शिक्षित है। कुछ लड़के कंप्लेन किए थे जो इनके यहाँ टोल फ्री नंबर है 18 कितना कितना का 150 करके 1076 पे नहीं किए, 150 पे कंप्लेन हुआ था। तो उसके घर ये शायद हम देखे नहीं थे, जानकारी मिली कि उसके घर ये राशन उसको खोज करके पहुँचाए। गाँव में जो है सिर से लेके मलहियाँ रमना तक पेपर वितरण का काम करता था, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, किसी बात पे उससे यहाँ विवाद हुआ था, उसी रामानंद पटेल नाम था उसका, इसी राशन चक्कर विवाद हुआ। अपने मन से दुकान खोलना, अपने मन से बंद करना, 3 बजे भोर में बुलाना, एक बार अंगूठा लगाएंगे, गेहूं चाउर देता ना, गेहूं देंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। घर में बच्चे तो हैं 10, 10 बच्चे हैं, टोटल 12 लोग हैं। हाँ 12 लोग, 12 के हिसाब से राशन मिलता है? कुछ नहीं साहब, आए बोरिया लेके भगा दिया, उसका औरत मारा कले था कि तोर कपार फोड़ दे। तो ऐसे कितने लोग हैं गांव में जिनका राशन कार्ड नहीं बना है? आपका राशन कार्ड बना है तभी ना आप गई थी लाने? ना जतन साहब, फाड़ के फेंक दिए, पुराना वाला था, 20 साल से वाला, फाड़ के फेंक दिए। ये करे ना ही हो, तू तो खाए बिना मरो, तू का खाए? कहीं नहीं करा, दुनिया वाला ही कमात हो, तू का खाए? काफी लोग भीड़ यहाँ लगाए थे सर, रोड पे भी सब भाग लिए। इनका कंप्लेन है कि बहुत लोगों का राशन कार्ड बनाया नहीं है, तो जाके ये प्रॉपर चैनल जो होता है उसे शिकायत करें ना, यहाँ गदर काटने से काम चलेगा क्या? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो आपसे कहा उनको आप भी समझाइए। आप हम किसको इसको किसको फॉरवर्ड करेंगे ये कंप्लेंट? जिसको आप उचित समझते हैं, मैंने तीनों चीजें बता दी आपको, आरओ है, एसडीएम है, डीएसओ है, परिवार है हमारा, कम से कम 5 है, यूनिट है 3 यूनिट दिए हैं, ठीक है, तो 3 यूनिट में 4 किलो गेहूँ 3 किलो चावल हमारा देते नहीं है साल भर 12 महीना से। और कितने लोग हैं घर में? घर में हमरे हैं 2 लड़का, 2 पुतो बहु, तो सारे हाँ। क्यों नहीं मिलता? अब नहीं देते हैं, वह भी तो देते रहन, तो हमने दोनों प्राणी के कार्ड रहल, तो जैसे हमारे आदमी पार्सल गुजर गए रहन, तो वही वक्त से कार्ड बंद कर देने, राशन देते नहीं हमें, कार्ड नहीं बनल बा हमारे। आपको विधवा पेंशन सब मिलता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं मिलता। बैंक अकाउंट है? हाँ। 11 लोग हैं, कितना राशन मिला? चावल आज की
किलो मिला था और गेहूँ 12 किलो, तो 4 ही लोग का मिलता है। हाँ, कितने लोग? 5 जने। आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग भाई। और कितने लोग का मिलता है? खाली 2 जने का। विधवा बहुत है, बहुत ही है, विधवा बहुत है, उसमें मिला जुला के 20% सिर्फ मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है, न विधवा पेंशन मिलता है, ठीक पैखाना मिला जुला कर नाम मात्र 10% बना है। तो कर्फ्यू के बाद सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या राहत मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ राशन ही लोग को मिला था, हमके तो वो नहीं मिला था। गैस घर की गैस फ्री मिली मोदी करियां, लेकिन गैस भी हाँ, लेकिन ना मिला था। बुकिंग भी कहने पर कल बुकिंग करने पर 15-20 दिन बाद मिलेगा। वो कौन बोला ऐसा? अरे वो राजकुमार जो टालीवाल मैन है वो खुद कहता है कि 10-15 दिन 20 दिन बाद मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आप बुकिंग करेंगे तो 15-20 दिन बाद मिलेगा। काल आल है गैस वाला, लेकिन हम लोग का वाला मोदी वाला गैस, लेकिन कहाँ की पैसा लगी। 50% राशन कार्ड बना, क्यों नहीं बनाए अभी? कोटेदार जाने और प्रधान जाने और कुछ अधिकारी। कोटेदार का नाम और प्रधान का नाम क्या है? अमित प्रधान है, राज नारायण कोटेदार हैं। हम ही बनवाए थे, कहे थे बनाने के, नहीं बनाए, हम खुद दौड़ कर अपना बनाए। आपका कोई मदद नहीं करता है? अकेले भी करेंगे तो सब मिली भगत है, किसको करेंगे? अच्छा, अभी पुलिस आया, सबको भगा दिया? वो तो भीड़ है भाई, कोरोना की वजह से भगा दिया। ऐसे कभी हेल्प करता आपका? कभी नहीं, कुछ नहीं होता है। ये कौन से थाली में आता है? लंका खाने में आता है। वाला मोदी ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन कहाँ की पैसा लगी? क्या 50% राशन कार्ड बना है, क्यों नहीं बनाए अभी? कोटेदार जाने और प्रधान जाने और कुछ अधिकारी। राशन की दिक्कत यही है सर कि आए दिन हम लोगों को यहाँ से जाते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने राशन कार्ड को वहाँ लेके जाइए, अधिकारी के प्रमाणित कराइए, प्रधान को लेके जाइए। तो हम इनसे कहते हैं तो ये कहें कि हम जाते हैं यार पैसा लेके, वो करेंगे तब ना हम लोग दुगना। अब जाओ तुम लोग दौड़ो तब समझ में आएगा ना। तो इसी तरह से हम लोग को झेला, 4-5 महीना से हम लोग झेलाया जा रहा है। अधिकारी महावीर वो वहाँ पे गए, तो महावीर चौराहा कचहरी के पास, फिर उसके बाद उनका ऑफिस ही बंद रहता था। अच्छा, तो हम लोग मतलब किसान आदमी दौड़ेंगे ना कि भाई वहाँ से कि कुछ हमारा किलोमीटर दूर है यहाँ से कचहरी? लगभग में सर 20-22 किलोमीटर होगा। कम से कम हम सर 4 बार गए, हाँ अकेले गए हैं। और वहाँ के जाने बाद हम लोगों को, हमारी पत्नी का तबीयत खराब था, डिलीवरी करवाए थे तो 2 बार मतलब हमको नहीं राशन मिला। फिर उसके बाद कहे कि अगली बार आप अंगूठा लगवा दीजिएगा, मिल जाएगा। तो हम कहे चलिए हम परेशानी खड़े हैं तो मतलब मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोगों को 1 बार भी कार्ड थोड़ा नहीं मिला। ये मेरा राशन कार्ड है, और हम कहे कि हमको लिख के दे दीजिए, मेरे को नहीं मिलता है तो हमको लिख के दे दीजिए। हमारे माताजी का नाम का है तो हमसे मांगा गया आधार कार्ड। आधार कार्ड जबकि हम फिलअप करके पूरा देखिए कागज भी लिए लगाए हैं, एक तरफ से अपने बच्चे के 2 बच्चियां हैं और हमारे माता पिता हैं, देखिए ये है। तो अभी कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। कचहरी जाने पे कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, और प्रधान का दस्तखत कराए, प्रधान जी किए, उसके बाद कहे कि सेक्रेटरी साहब से हमसे भेंट नहीं हुआ, तो इसके बाद कुछ नहीं मिला। तो कहे कि वहाँ से नंबर चढ़वाइए, तो हम कंप्यूटर का। अच्छा, आप इतने विकलांग लोग के साथ काम करते हैं? किरण सेंटर, हाँ, तो हाँ, मिलता है? हाँ, नहीं, उन लोगों को, उनको भी नहीं मिल रहा है। एक अभी छेदी लाल हैं, अभी आपसे पूछाएंगे, उनकी माँ भी है, उनको भी नहीं मिलता है। हमारा अंगूठा नहीं लेता तो लड़की को बुलाते हैं, लड़की नहीं लेता परिवार को बुलाते हैं, 5 लड़कियाँ हमारी हैं। अंगूठा नहीं लगेगा तो रसनो नहीं देंगे, भगा देते हैं। लोग कहे कि आधार कार्ड से करिए, आधार कार्ड से करिए, तो आधार कार्ड यहाँ पर लिंक नहीं हो, कह रहे हैं आधार कार्ड से नहीं दिया जाएगा। जब भाई आधार कार्ड से आप पैसा हमको दे सकते हैं, आधार कार्ड बैंक से ताल्लुक कर सकते हैं, तो क्यों ना हमको आधार कार्ड आपके सभी जगह से लिंक करा के आधार कार्ड से हमको अनाज दे सकते हैं, बैंक से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नियम नहीं है, हमारे गाँव के लोगों को कुछ भी नहीं नियम है, ना कोई खाने को मिल रहा है। जो मान लीजिए खेती बाड़ी से हम लोग सुबह से निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत खेत में काम करते हैं, दिन भर अपने बच्चों को लेकर मतलब अपने घर में कैद रहते हैं। तो सर कहीं जाएंगे तब ना हम लोगों को 2 पैसा की अर्निंग होगी। कम 12,000 की आबादी होगा, इससे कम नहीं, ज़्यादा होगा। मान लीजिए कॉलोनी छोड़ दीजिए सर, वहाँ से गड़वा घाट से मारुति नगर से शुरू है टिकरी तक समझ जाइए,
कितना राशन का कितना दुकान है पूरे में? सर तीन ठो। तो हर जगह यही दिक्कत है सर? यहाँ पे ज्यादा दिक्कत बलैया में अच्छे से देते हैं। तीसरा यहाँ पर वो ठीक से देता है? वो भी बढ़िया देते हैं। उनका नाम क्या है? इसका सोनू जायसवाल। राशन कार्ड में कितने लोग का नाम है? दो आदमी का नाम है। केवल दो का है? और हैं कितने? पांच आदमी। बाकी का क्यों नहीं चढ़ा है? बनवा रहे हैं। नहीं बन रहा है? कहाँ गए थे बनवाने? यहाँ पर कई बार दिए। नहीं बनाए लोग? और आपके घर में कितने लोग है भाई? सर चार लोग। कितना पे चढ़ा? बाकी लोग का नहीं चढ़ा है? आप लोग के घर में कितने लोग हैं? हम लोग चार लोग हैं, एक है बच्चे हैं, तो चार लोग का पूरा राशन मिलते हैं। पांच छोटे पांच लोग हैं, बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं बना तो नहीं। आपके यहाँ कितने लोग हैं? कितने लोग का राशन पे चढ़ा है? चार लोग हैं। है? दो लड़कियाँ हैं, दो पुरानी हम लोग, चार लोग हैं, चारों जने से मिलता है। गैस बुकिंग किए हैं इस महीने का कि नहीं? जो मिल रहा है फ्री वाला वो मिलेगा। कितना बोल रहा है पैसा लेने का? ना लेते हैं पर आपका पैसा खाता में चलेगा। अच्छा अच्छा। तो हमको ये समय तो है नहीं, कहाँ से देंगे धंधा पाना। अगले महीना में जो 27 तारीख को दिए तो 5 किलो उसका भी पैसा ले रहा है, इस महीने का भी पैसा ले रहे हैं। फ्री में देने का मतलब क्या हुआ? फ्री का अगले बार 27 अप्रैल को दिए थे, 27 मार्च को 5 किलो तो उसका ये पैसा ले रहे हैं, बोले कि फ्री में। तो आज ये महीना वाला जो दे रहा है 10 किलो इसका भी पैसा ले रहे हैं, वो 5 किलो का भी पैसा ले रहे थे। इसका मतलब जो फ्री में वो दूर है, ईटा पत्थर लेबर वाला काम करते हैं हम। तो ये योगी सरकार जो दिहाड़ी मजदूरी का 1000 रुपये देने का किया है, वो आपको मिला है क्या? नहीं मिला ये। यहाँ DM साहब की आदेश थी कि जिनका 20 किलो राशन है उनको 10 किलो दे दिए, क्योंकि भूखमरी कोई ना मरे। 10 किलो उसके बायोमेट्रिक से मशीन लगा के उनका पूरा हो जाएगा। यहाँ लाल कार्ड और मनरेगा का जो है उनको निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, बाकी लोग का वही है। तो आप पहले आधा दे दिए, अभी बाद में दे? हाँ आधा वो बायोमेट्रिक से लेके, वो अभी अभी एक महीने पहले अभी ऐसा सब कुछ ठीक था। इनुट में जिनका कुछ आधार में कुछ गड़बड़ी था, सीटिंग नहीं ले रहा था, इसी वजह से कट गया है। अभी तो बंद है आधार, तो सबको लिया होना चाहिए ना कार्ड होना अब चाहिए। वो जिसे फिंगरप्रिंट नहीं लगा, अगर नहीं लगता है तो फिर उनको दिया जाता है। अच्छा ये कब से शुरू हुआ है? ये लगभग हो गया 15 महीने का, 2 साल। इससे आपको दिक्कत होता है कि पहले? दिक्कत होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, जनता सब हम सभी लोग बोलते हैं, पूछिए किसी लोग किसी के बारे में, किसी राजी नहीं है वकील। अभी ये महामारी में बायोमेट्रिक से नहीं करना चाहिए, मैनुअल करना चाहिए। एक तो पूरी भारत इसमें परेशान है कि व्यवस्था के साबुनों भी रखे हैं कि जनता आए हाथ धो के जाए, कितने लोग नहीं धोते हैं, लगाते हैं हमको दे दिया जाता है। नहीं नहीं कोई शिकायत ना, नेटवर्क सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को नया राशन कार्ड बनाना है, अभी मान लीजिए 3 महीने से गड़बड़ है, वो कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग कंप्लेन भी करते कुछ होता नहीं, तो उससे क्या? इसके लिए सरकार जानेगी हम लोग कितने तो ये आपके ऊपर तो फार्म दिया गया सर, यहाँ से मामा ले गए, खुद ले गए, लेकिन वहाँ से जब इधर हो जाता है किसी बच्चे का हर जगह आधार कार्ड। अच्छा आपके ऊपर के अधिकारी जहाँ पे ये लोग जाते हैं उनका क्या नाम है, कहाँ है? सप्लाई इंस्पेक्टर श्रीवास्त्री काशी विद्यापीठ कचहरी का महावीर मंदिर है, वहाँ पर सप्लाई विभाग के सभी लोग बैठते हैं, उसे ऑफिस है। उनका नाम श्री वास्त्री सिंह।